स्वर्ण रत्न श्रीपति अष्ट प्रधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित। वेलकम टू पुरंदर। What's up guys and welcome back to my universe once again। मैं हूँ श्रीधर वाड़िया, जो पुणे के फोर्ट्स, पुणे में कहाँ कहाँ घूम सकते हो वो सब वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आज मैं आपको लेके आऊँ पुरंदर फोर्ट। आप मेरे पीछे देख सकते हो वो पुरंदर फोर्ट है और वो वज्रगढ़ है, मतलब ये दोनों फोर्ट एक साथ है। तो ये बहुत कमाल की प्लेस है और अभी एक बारिश हुई है, दिसंबर में बारिश, पुणे में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बारिश हुई है इसलिए हम आए आपको वहाँ का वेदर बताते हैं। और ये फोर्ट इन्हें जाना जाता है छत्रपति संभाजी महाराज का बर्थ प्लेस, एज अ बर्थ प्लेस जाना जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे हैं और ये फोर्ट कुछ 1387 मीटर्स ऊपर है सी लेवल से, तो काफ़ी ऊपर है। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, बाइक कार सब जाती है, मीन्स हाफ वे तक जाती है। उसके बाद 2 घंटे का ट्रेक है, वो शायद ही हम कर पाए क्योंकि इंडियन आर्मी का वहाँ पे कैंप है। तो देखते हैं, अगर हमें चांस मिलता है ट्रेक करने का तो ट्रेक करते हैं और ऊपर चलते हैं। अभी तो फिलहाल चलते हैं, अभी बारिश वाला मौसम हुआ है, दिसंबर में बारिश हुई है, पूरा फॉगी है। आपको मैं बताता हूँ कैसा वेदर है ऊपर, लेट्स गो। यहाँ से एक ऐसा डाइवर्जन है, आप नारायणपुर अगर जा रहे हो नारायणपुर वाले रोड पे से एक छोटा सा डायरेक्शन है पुरंदर फोर्ट के लिए और काफ़ी नैरो रोड है, छोटा रोड है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। और पुरंदर फोर्ट जो है पुणे से सिर्फ 50 किलोमीटर पे मेन सिटी से, अगर हड़पसर से आ रहे हो आप तो एक 25 किलोमीटर बहुत हो गया, आपको एक आधे पौन घंटे में आप पहुँच जाते हो। काफ़ी सही लोकेशन है, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, मैं और मेरा भाई है, तो पूरा खाली रोड है। वाओ, और ये सामने वो जो दिख रहा है वहां से लेके पूरा यहाँ तक वो फोर्ट है। जैसे कि आपने देखा कि अंदर आने को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि अंदर आर्मी कैंप है तो आपको आधार कार्ड लेके आना ही पड़ता है। अभी मेरे जो भाई है वो उदय, तो वो अभी आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा रहा है, पूरा डिटेल्स भर रहा है, फोन नंबर दे रहा है, सब कुछ वो करा रहा है। और हम वहां पे रुक भी नहीं सकते, मुझे कहा आप उधर से पास हो जाओ और आप पीछे मुड़कर देखो भी नहीं, नाम बताना होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है पता नहीं क्यों। अभी चलते हैं, उसका वेट करते हैं, उन्होंने कहा आगे जाके वो टर्न मार के आगे रुक जाइए, तो मैं वहाँ पे जाके रुकता हूँ और फिर आगे आपको पूरा फोर्ट बताता हूँ। बाहर बाइक की पार्किंग है और अंदर कार की पार्किंग है, आप कार से आते हो तो अंदर कार के लिए प्रॉपर पार्किंग दी हुई है, पे एंड पार्क है, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए मेरा भाई भी आ चुका है, उसको पूछते हैं हमने क्या क्या डिटेल्स, मीन्स क्या 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 किया उधर, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये क्या है, क्या क्या उधर कुछ पूछा गया तुमको, कितने लोग हैं, मतलब 2 पर्सन, ओके, और आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ओके 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 ओके, बस उतना ही, कुछ टिकट नहीं है अंदर, फीस वगैरह नहीं है, बढ़िया है। ओके, रिटर्न करने का करते से आपको ये मुख्य तालाब दिखेगा, यहाँ पे एक ऐसे टेम्प्रेरी टैंक बनाया हुआ है यहाँ के यूज के लिए। जैसे मेरे पीछे देख सकते हो ये सब आर्मी ट्रेनिंग कैंप है एक्चुअली, इसलिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, बाप रे। आर्मी रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग एरिया, यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग होती है ना रॉक क्लाइंबिंग की, वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे सब ट्रेन होकर फिर आगे कश्मीर वगैरह यहाँ पे जाते हैं सब आर्मी के हमारे ऑफिसर्स। हमें एक स्ट्रक्चर मिला जो कि बहुत पुराना है और बहुत वाव है, ब्यूटीफुल है, लेकिन लोगों ने मेंटेन नहीं किया। आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो बनाई है छत्रपति शिवाजी महाराज की, ऐसे कुछ भी करके लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग नहीं है, मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे कितना पॉलिटिक्स चल रहा है, उनके नेम से, उनका नेम यूज करके हर एक पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये बहुत गलत चीजें हो रही है। तो प्लीज उनका नेम यूज मत करके खुद का फायदा मत करो, इसे अच्छे काम करो, फोर्ट अच्छा बनाओ, यहाँ पे जो भी सुधारना कर सकते कीजिए, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए लोगों ने। अभी तो फिलहाल ये स्टार्टिंग फेज है, अभी तो हमने चालू किया भी नहीं है, ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर हमें मिल गया, बहुत बढ़िया है, अभी आगे चलते हैं, लेट्स गो। अंदर आने के बाद ऐसा एक स्टैचू है, वो वीर मुरारजी बाजी देशपांडे जी का है, जो कि यहाँ के किलेदार थे, और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको हिंदी मराठी पढ़ने आता है, तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो। छोटी सी हिस्ट्री फास्ट फास्ट बताता हूँ इनके बारे में। देखो 1587 में यहाँ पे जयसिंह राजे और दिलेर खान ने 40 से 50 हज़ार सैनिक लेके, मीन जैसा पूरा घेर लिया था ये दोनों फोर्ट। तो यहाँ के जो पुरंदर के सरदार मुरारजी देशपांडे जी थे, तो उनके पास 1000 ही सैनिक थे, तो फिर वो कैसे लड़ते, फिर भी वो इतनी टफ फाइट दी उन्होंने, पूरे 40-50 हज़ार लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि 1000 लोग ही थे वो, फिर उन्होंने फिर भी 5000 सैनिक लेके जो वज्रगढ़ जो दूसरा साइड में हमारे बाजू में ही है, इसके जस्ट ट्विन फोर्ट बोलते हैं इसे, वो ताबे में ले लिया, और फिर यहाँ पे ऊपर आए वो दिलेर खान और जयसिंह राजे,
वो लड़ते 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 इनको 3 मारे और उनकी डेथ हो गई। इससे पहले इनके बीच में कॉन्वर्जेशन क्या हुआ कि आप मेरी टीम में आ जाओ, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की टीम से मत लड़ो, आप मेरी टीम में आ जाओ, आप बहुत अच्छे लड़ते हो, ऐसे ऐसे बात हुई उनको, मीन्स एक तरह का ब्राइब देने की कोशिश की। बट वो अपने राजा के साथ लॉयल रहे कि नहीं मैं अपने राजा के साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊंगा। तो मीन्स ही वॉज सच लॉयल किलेदार हो रहे, इतने अच्छे सरदार थे। तो उसके बाद आपको ये पुरंदर ट्रीटी के बारे में तो पता ही, अगर नहीं पता तो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आगे चलते हैं, लेट्स गो। मुरारजी देश पांडे जी जो थे, जो यहाँ के किलेदार थे, उनकी जैसे डेथ होती है वैसे ही, जैसे ही वो गिरते वैसे पुरंदर फोर्ट गिर जाता है, मीन्स ये शिवाजी महाराज जी के हाथ से चला जाता है। तो अब क्या करें? तो जो राजा मिर्जा जय सिंह आए हुए थे उनके साथ वो लोग ऐसे तह करते, मीन्स एक ऐसे जस्ट एक जो बोलते ना कि सेटलमेंट, राइट, सेटलमेंट इज द राइट वर्ड, सेटलमेंट करते हैं। उस सेटलमेंट में 23 फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मुगल्स को देने पड़ते, बट वो इन दी एंड बाद में वो वापस हासिल कर ही लेते। मतलब शिवाजी महाराज जी ने इतनी वाट लगाई थी ना मुगल्स की, इतनी वाट लगाई थी, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। वो कौन से 23 फोर्ट्स थे उदय? अंकोला, कर्नाला, कोंडाना, काहोच, वीरदुर्ग, तिकोना, नरदुर्ग, पळसगड, मुरंजन, भंडारगड, मनोरंजन, मानगढ़, मार्गोगढ़, माहुलीगढ़, रुद्रमाल, रोहिडा, लोहगढ़, वसंतगढ़, विसापुर आणि सोनगढ़। ओके, तो ये हिस्ट न देखे भी या तहानुसार राजांनी आपले 23 किल्ले व 4 उन्नता क्षेत्र बादशाहांना दिले। राजा ओके, सो हम अभी ट्रेक से जाके आ गए, वहां से ट्रेक से जाके आ गए, फोन कलेक्ट कर लिया हमारे, मीन्स आधे घंटे का ट्रेक है, हाँ आधे घंटे का है, और वेदर काफ़ी अच्छा था और रोड बहुत नैरो है, मीन्स ऐसा बड़े रोड किधर भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे से रोड है, लेकिन ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल मैं बोल सकता हूँ मॉडरेट है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना भी इजी नहीं है, आप बच्चों को भी लेके जा सकते हो। मैंने तो कुछ लोगों देखा जो न्यू बॉर्न बेबी है उनको भी लेके आ रहे, तो इट्स प्रीटी गुड और अच्छा ट्रैक है, बहुत छोटा सा ट्रैक है, ऊपर जाके रिलैक्स है, एक फोर्ट टाइप है, आप राउंड मार के आ सकते हो, बट आपको मोबाइल यहीं पे रखना पड़ेगा, कैमरा यहीं पे रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी की तरफ से। यहाँ पे ऐसा क्यों है, मैंने आज तक किसी फोर्ट पे नहीं देखा इतना स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि यहाँ पे आर्मी का बेस कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है। तो ये अगर हम फोटोज़ किधर अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर भी बताया नहीं। से निकल कर वो एक रास्ता जाता है, वो म्यूज़ियम के लिए है, म्यूज़ियम में चलते हैं, उनके रास्ते में एक पद्मावती टैंक भी है, पद्मावती तालाब, वो जस्ट ऐसे नेचुरल वाटर का है, जो यहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके यूज़ आता है, ये इसको फिल्टर करके वो लोग खुद के लिए यूज़ करते हैं। म्यूजियम के लिए जो रोड है वो थोड़ा सा स्टीफ है, मीन्स जितना फोर्ट का भी, ये देखो आप इस पे से समझ सकते हो कितना स्टीफ है, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा लेकिन हमारी सांसें फूल रही है। तो ऑलमोस्ट आ चुका है, इसके पीछे म्यूजियम है, और जैसा कि मेरा भाई कह रहा है उल्टा चलते देखते हैं। हाँ अभी सही लग रहा है, पानी पीने के लिए भी है, और यहाँ पे ये म्यूज़ियम है, यहाँ से अंदर चलते हैं, अंदर शायद अलाउड नहीं होगा मुझे शूट करना, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और वो पीछे रहा पुरंदर फोर्ट, आपको अंदर से दिखाते हैं म्यूज़ियम श्री छत्रपति संभाजी महाराज जी का। आ जाइए, ये म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छा बना हुआ म्यूज़ियम, देखने ज़रूर आओ, मीन्स ऐसा मैंने जयपुर राजस्थान में देखे हैं ऐसे म्यूज़ियम, और बहुत सही बना है, उनकी हर एक पेंटिंग्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप देख सकते हो, वाह। तब के ज़माने की सॉड है, धोप तलवार है, मीन्स आप देख सकते हो तब के फाइट्स में यूज़ हुई थी, ये अभी तक अच्छे से मेंटेन रखी हुई है, वाह। मैं बोल रहा था ना बहुत स्टीफ रोड है, तो हम ये रोड से आए थे, और कितना अच्छा लग रहा है देखो ना, एकदम प्रॉपरली कॉटेजेस बने हुए हैं मिलिट्री ने, पूरा अभी फॉग उतर रहा है, उससे पहले हम नीचे चलते हैं, नहीं तो बहुत जोर से बारिश आए ना अटक जाएगा यहाँ पे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आपको कैसा लगा? थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत आपको बताने की पुरंदर फोर्ट के बारे में, आपको अच्छा लगा है तो नीचे प्लीज़ लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले व्लॉग में।